कुदरत भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़, कहीं भूकंप तो कहीं भूस्खलन। कुदरत के इन अलग अलग रंगों से आज पूरा विश्व परेशान है। कुदरत का ये कहर इंसानों की आधुनिकता का ही नतीजा है। जिसने कुदरत को छेड़ा, आज कुदरत उसका बदला इंसानों से ले रही है। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश के चलते आज जो हालात पैदा हो गए हैं, उसकी हकीकत से आप भी भली भांति परिचित होंगे। इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत इंसानों का अस्तित्व ही खत्म करने पर तुली हो। ये सब एक दिन का नतीजा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दशकों से जारी आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ ने कुदरत का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आशिक कुदरत का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुदरत और इंसानों के बीच जारी इस जंग में एक नाम ऐसा भी है जो इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो नाम है विशाल विजय कड़ने का, जिन्होंने अपने रिसर्च की बदौलत आज कुदरत के कहर को रोकने के लिए कई नए नए तरीके ईजाद किए हैं। दूसरी बार पद्मश्री के लिए नामित विशाल कड़ने ने 3 महत्वपूर्ण विषयों पर रिसर्च किया है, यानी शोध किया है, जिनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूकंपरोधी तकनीक और पानी में मिट्टी के बहाव को रोकने पर रिसर्च शामिल है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिसर्च को बीएमसी ने स्वीकार भी किया है। इनके इसी उपलब्धि के लिए इन्हें दूसरी बार साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए भी नामांकन किया गया है। में पानी का संकट पिछले 10 सालों से जो बढ़ते जा रहा है, उसको अगर आप अपने सच्चे दिल और दिमाग से सोचेंगे तो हमारा पहले फर्ज बनता है कि फार्मर्स जो है उनके प्रति हम अपना कर्तव्य कुछ उतार दें। पानी की समस्या ऐसी है कि पानी आप निर्माण नहीं कर सकते हो, लेकिन उसे बचा सकते हो, उसे रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। तो वही एक बेसिक प्रिंसिपल हमने इसमें यूज़ करने की कोशिश की है, जिससे हमने पानी कैसे जमा किया जा सकता है, पानी वेस्टेज कैसे बचाया जा सकता है और वही पानी को प्रिजर्व करके रीयूज़ कैसे किया जा सकता है, वो प्रयास हमने इन टेक्निकों में किया हुआ है, जिसे हमने नाम दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज की तारीख में अगर इस सोच को डेवलप किया जाए तो जाहिर है कुदरत से जो नाराजगी है महसूस करते हैं अपने आप को लेकर, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर इसकी शुरुआत कौन करेगा? क्या जिम्मेदारी हम और हमारी और आपकी नहीं है? क्योंकि जब इस तरह की योजनाओं पर काम होता है तो हमारा भी दायित्व तो होता है कि इस तरह की योजना को हम समझें और इसमें अपना योगदान दें। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक युवक ने इस तरह का बीड़ा उठाया है कि कुदरत का जो भी प्रतिशोध है उसको हम कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें समझना होगा। इस खास चर्चा में हमारे साथ खुद आपको उसी युवक से आप मुलाकात करवाएंगे जिसकी वाइट आप सुन रहे थे। लेकिन ये जो नया सफ़र है ये बहुत ही कठिन है, लेकिन इसमें जो कठिनता से जो उनकी चाहत है उसने साबित कर दिया है कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। हमारे साथ खुद है विक्रम है और विशाल है, विशाल विजय कड़ने, जिन्होंने इस तरह की योजना पर काम शुरू किया है, अपने शोध के जरिए ये तकनीक का इजाद किया है। विशाल आपका बहुत बहुत स्वागत है और निश्चित रूप से हम आज की तारीख में आप जैसे लोगों को देखकर ये उम्मीद कर सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नया रास्ता जो आपने दिखाने का काम किया है। और जाहिर सी बात है नया रास्ता देखकर जब कोई उसका रिजल्ट देखता है तो उसको भी खुशी महसूस होती है। और विक्रम विलास साठविलकर हैं जो किसान का काम करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसको अपने तरीके से महसूस किया है। विक्रम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि हमारे साथ विशाल विजय कड़ने के पिताजी भी हैं, जिन्होंने एक लंबा दौर देखा है, दुनिया को देखा है, अनुभव किया है और खासकर किसानों की जो समस्याएं हैं उससे भली भांति वो अवगत हैं। विजय कड़ने साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय कड़ने जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले
विशाल विजय आपसे विशाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो यात्रा आपने शुरू की है उसको किस तरह से आपने बुनियाद मूर्त रूप दिया। ये जो निसर्ग के बारे में जो भी पूरी गतिविधियां चल रही है, हम इस निसर्ग के एक पार्ट है, हमें इसे बचाने का उत्तरदायित्व जो मिला है उसे हमने किसी भी तरीके से पूरा करने की एक जो महत्वाकांक्षा हमारे दिल में जो पैदा हुई थी वो एक प्रेरणा स्रोत थी। और ये निसर्ग को बढ़ा हम नहीं सकते, हम इसे कुछ डेवलप या नया इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम इसकी इसका नुकसान या इससे इससे होने वाली दुर्घटनाओं को तो हम रोक सकते हैं। ये एक विचार हमने हमारे माइंड में लिया और हमने काम करने को शुरू किया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब इस तरह का काम कोई शुरू करता है तो बाकी जो आसपास के लोग होते हैं अजीब गरीब नज़रों से आपको देखते होंगे। आपके आसपास का जो पूरा माहौल था उसको देखते हुए आपने कैसे तय किया कि इस तरह का अगर हम काम करेंगे तो मुझे सफलता मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं आपके काम को, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब आपको भी एहसास हो रहा होगा कि हमने सही रास्ता चुना है। कभी आपको लगा कि किसी ने हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की, या फिर ऐसा भी लगा कि लोग इसको समझ रहे हैं? क्या महसूस किया आपने? आजकल हम पूरे कंक्रीट के जंगलों से घिरे हुए हैं जी। यहाँ पे नेचर बुक में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है, बट देखने के लिए बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में मुंबई जैसे शहर में या जो भी NCR मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले युवक हैं या बच्चे हैं, उनके लिए नेचर ये कंसेप्ट ही आज के बाद में, कुछ सालों के बाद में ये दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये नेचर को हमें बचाना है। नेचर के जो मेन कंटेंट है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, या आपकी मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, ये जो तीन चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट नेचर की बनी हुई है, अगर आप इन्हें प्रॉपर रिसोर्स में या प्रॉपर लिमिटेशंस में इन्हें आप अगर मेंटेन नहीं रखेंगे, इनका नुकसान होने से अगर आप इन्हें नहीं बचाएंगे, आप इन्हें कुछ तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, तो निसर्ग वही तरीके से आपको उनकी निसर्ग की जो रिएक्शन है जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, बाढ़ है या हिमाचल में आपने तस्खलन देखा रहेगा, सॉइल लैंडस्लाइड देखा रहेगा, वो हमें फेस करना पड़ेगा और जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं आने वाले सालों में। तो ये एक प्रेरणा लेके हमने काम करना चालू किया। सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि पीने के पानी की जो समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो कि जैसे लातूर है, विदर्भ है, जलगांव है, जहाँ पे उत्तर महाराष्ट्र में पीने का पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, जहाँ पे ज़मीन आपकी फट चुकी है हीट के वजह से, वहाँ पे फसलें नहीं उग पा रही है, तो वैसी जगह पे जाके हमने काम करना चाहा। वैसी जगह में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हम क्या रिसोर्स दे सकते हैं? विशाल, हमने सुना है कि आपने जहाँ पर सुखाड़ देखा है, जहाँ पर दुष्काल आया हुआ है, वहाँ पर भी हरियाली पैदा करने की कोशिश की है। हमारे साथ खुद है विक्रम विलास साठविलकर। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने देखा कि वाकई जिस धरती से आपका रिश्ता है, विदर्भ की अगर हम बात करें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी को लेकर, फिर भी आपने हरियाली पैदा की, कैसे संभव हुआ ये बताइए। अभी विशाल ने जो कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो कुकन में भी हमने ट्राई करके देखा उसके लिए, तो उससे रिजल्ट हम लोग को अच्छा मिला। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं से ये सोचा होगा कि अगर इनकी बात मैं मानूंगा तो शायद फ़ायदा होगा, किस तरह से शुरुआत की आपकी? शुरुआत की मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 महीने से ज़्यादा पानी नहीं रहता, बारिश होता है कभी नहीं होता है जी, तो जो वेस्टेज वाटर रहता है वो वाटर हमने सेव किया, सेव करके फिर उससे हम लोग जो आंबा है, काजू है, पेड़ खेती के लिए वो पानी यूज़ करने लगे। चलिए, तो कुल मिला के बहुत फायदा हुआ आपको। हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिस तरह से अगर BMC ने समझा है, सरकार का अगर इसका साथ जुड़ जाए इस पूरे प्रोजेक्ट से, तो क्या लगता है आपको कि वाकई किसानों की जो स्थिति हम देखते हैं महाराष्ट्र में, किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि उसमें कमी आएगी या फिर ये जो पूरा जो ये जो समस्या है उससे हम लड़ पाएंगे? हाँ, वाकई अगर ये टेक्निक अगर हम लोग यूज करेंगे सभी जगह, जैसे कि विदर्भ हो, वहाँ पे भी जो अपने शेतकरी है अभी आत्महत्या कर रहे हैं, अगर ये टेक्निक वहाँ पे यूज़ करेंगे, बारिश वहाँ पे भी कम है, ये टेक्निक के वजह से उनको भी एक नई संजीवनी मिल जाएगी। तो उम्मीद की किरण और संजीवनी की बात यहाँ पे हो रही है। जाहिर सी बात है ये जो सफ़र है ये आसान नहीं है, क्योंकि कुदरत से खिलवाड़ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं हम सब,
और जिस तरह से कंक्रीट का जो जंगल है वो फैलता जा रहा है, अगर हम मुंबई की बात करें तो वाकई ऐसे कई इलाके हैं जहां पर तलाश करना पड़ता है कि पेड़ किधर हैं, और पेड़ों की भी कटाई अलग तरीके से की जा रही है, मैंग्रोव को भी नहीं छोड़ा गया है। हमारे साथ हैं विशाल के पिता विजय करने साहब, जो लगातार इस समस्या से पीड़ित रहे हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि किसानों की क्या समस्या है। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समस्या का जो समाधान निकाला है आपके पुत्र ने, कैसा महसूस करते हैं आप? नमस्कार सर, हेलो जी, बोलिए। इसका समाधान मतलब अभी बात करने से भी थोड़ा मेरे को कुछ उसमें शब्द नहीं मिल रहे है। तो अभी क्या जो मेरे बेटे ने किया है ना, एक पिताजी करके मेरा बहुत गर्व बढ़ गया है जी। और ऐसे बच्चे के लिए बाकी सब समाज के लोगों ने ऐसे बच्चों लोग के लिए उनके साथ रख के उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक माँ बाप के एक उम्मीद रखते हैं कि अपने बच्चों लोग से क्या है। तो आज मेरे बेटे ने जो कुछ किया है ना, वो मेरे उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और पिताजी करके मेरे को बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसा बेटा हर घर में पैदा होना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से आज हम कुदरत के प्रति एक लापरवाही देखते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास की बात करते हैं, दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जो कुदरत के प्रति हमारा दायित्व है, जो हमारी भूमिका है, क्या हम उसको भूल गए हैं? यही कारण है कि आज बाढ़ की स्थिति आ जाती है, भूकंप की स्थिति आ जाती है। कैसे हम आम लोगों को बताएंगे कि आप कुदरत के प्रति एक प्यार का रिश्ता जो है उसको बढ़ाइए और कुदरत से प्यार कीजिए, क्या कहेंगे आप? अभी ये सब लोग एक सब समाज एक हो जाएगा, वो सब सोचेंगे सब मिलके। अगर मेरा बेटा अकेला सोचेगा तो कुछ नहीं होएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए जो आगे बढ़ ले रहे जो नेता लोग हैं, सब लोग हैं, ऐसे बच्चों को आगे रख के उसके पीछे सब लोग रहना चाहिए कि इनका माइंड क्या चल रहा है, इनका अपना क्या चल रहा है, सब सोच समझ के करना चाहिए। कोई इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक 20 साल का लड़का अगर आगे बढ़ रहा है तो मैं 40 साल का हूँ, वो मेरे को क्या सिखाएगा या कुछ करेगा। मतलब विशाल दिमाग से सोचना पड़ेगा, विशाल विशाल जो होता है आपको विशाल होना पड़ेगा, ताकि वाकई अपना जो विशाल का जो पूरा सफर है उसमें एक विशाल। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा गर्व है, क्या आपको नहीं लगता कि आज पूरे समाज को इस तरह की योजनाओं को समझते हुए गर्व करना चाहिए? क्या अड़चने आप महसूस करते हैं? बिल्कुल सही फरमाया साहब आपने। पूरा समाज जो आज पानी के लिए तरस रहा है, जो स्पेशली जो फार्मर्स लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो महाराष्ट्र के बाहर चले गए हैं, उनकी भी पानी की समस्या है, दूषित पानी की एक अलग समस्या है। तो ये सब समस्याओं को जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि इनकी इनपुट कितनी है, इनकी आउटपुट कितनी है, तब तक आप वो चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। और आज जैसे कि यूथ जो है, स्पेशली महाराष्ट्र की, मुंबई की, जो मेट्रो सिटीज़ की जो यूथ है, उनमें काफ़ी अच्छा अवेयरनेस आ चुका है। हमारे जो यूथ नेता लोग हैं, स्पेशली मुख्यमंत्री जी अपने देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि जो किसान परेशान है कोई और धंधा कर लें, इसको कैसे देखें? किसान और धंधा करने के लिए आज उतना कैपेबल बचा नहीं है, क्योंकि उनके पास में कैपिटल नहीं है। जब उसकी खेती जो थी वो कुछ उपजीविका के लायक ही बची नहीं है, तो उसके धंधे के लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, ये सबसे पहली बात है। और धंधा करने के बाद में उन्हें मार्केट कौन एस्टेब्लिश करके देगा, और वो मार्केट से किसान का रिलेशन डायरेक्ट रहेगा या बीच में फिर एजेंट? देखिए, सीएम का काम होता है सबको साथ लेके चलना, क्योंकि आप ही की पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसे में अगर मुख्यमंत्री खासकर महाराष्ट्र के किसानों के संदर्भ में कहता है कि अगर जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए कुछ और आप काम कीजिए, तो उसको तो हम तारीफ तो नहीं कह सकते, अपमान जरूर कह सकते हैं। आपके पिताजी के पास चलते हैं। विजय जी, जब इस तरह की भाषा का सामना करना पड़ता है आम आदमी को, खासकर अगर हम किसानों की बात करें कि आप कुछ और धंधा कर लीजिए, तो आपको नहीं लगता कि वाकई मुख्यमंत्री जी को इस पूरे प्रोजेक्ट को समझना चाहिए? क्योंकि बीएमसी ने जिस तरह से समझा है इसको, क्या लगता है आपको कि वाकई सरकार अगर इसको समझ लेगी तो किसानों को कुछ तो और करना नहीं पड़ेगा? जरूर जरूर इसको सोचना चाहिए, क्योंकि आज अपन यहाँ बैठ के देखते हैं टीवी पे तो हालत इतनी खराब दिखती है कि अगर उन पे खुद पे गुजरती है जी तो क्या होता होगा। अभी आज मैं एक टीवी पे देखा न्यूज पे, किधर कांदिवली में किधर आग लग गई,
तो आज पूरा उधर का पूरा माहौल एकदम खराब हो गया, आज खाना भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो उन पे जो गुजरती है, तो ये लोग नेता लोग जो है, इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसका सब बंदोबस्त सब पूरा होना चाहिए। खाली ऐसा कुछ नहीं वोटिंग के लिए जाओ या कुछ करो, वो अच्छा नहीं लगता है। क्या ये अगर ये माहौल क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये पहले से अगर सब लोग डिसाइड करेंगे तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल विक्रम, आप किसान से भली भांति कृषि से जुड़े हुए हैं, शेतकरी का काम करते हैं आप, ये बताइए कि अभी किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं किसानों की, क्योंकि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, खासकर विदर्भ में जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपने कैसा महसूस किया? वहाँ पे विदर्भ का क्या है, मैं रहने को कोंकण में हूँ, लेकिन कोंकण और विदर्भ दोनों सेम है। कोंकण ज़्यादा सामने आता नहीं है, विदर्भ में जो चल रहा है वो ही सामने दिखते रहते हैं। कोंकण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ज़्यादा कभी दिखने में आता ही नहीं। मैं जानना चाहूँगी वहाँ के जो किसान हैं जिसके संपर्क में आप हैं, किस तरह की परेशानी आपको बताते हैं या आपने महसूस किया? वहाँ पे परेशानी मतलब मेन है तो यही है, पानी है, दूसरा है कैपिटल। वहाँ का शेतकरी जो है वो उसको कैपिटल नहीं मिल रहा, इसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे। कुल मिलाकर समस्याएं इस कदर सामने हावी हो गई है कि किसानों की जो सोचने समझने की शक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं से असर हुआ है। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मानसिकता बदली है किसानों की, एक निराशा आ गई है, हताशा आ गई है, तो क्यों ना उनके मन में कुछ ऐसा संस्कार भरा जाए, ऐसी सोच जागृत की जाए जिसको सुनकर जिसको महसूस कर वो कहीं ना कहीं से आशावादी बन सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई इसकी जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की है और आपकी भी अहम भूमिका है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से आपने कहा कि बीएमसी ने इसको समझा है? बीएमसी ने इसको समझा है, अभी इसका अवेयरनेस प्रोग्राम हमने चालू किया है। जो भी इंस्टीट्यूट एनजीओस हमारे संपर्क में आ रहे हैं उनके थ्रू हम किसानों की अलग अलग बैच करके उनको ये जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे बीएमसी को हमने अप्रोच किया था 2005 में और हमने हमारा जो पेपर्स थे वो उनको एक्सप्लेन किए, उसी तरीके से हमारी कोशिश अभी ये चल रही है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्रोच करके जो भी हमने इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, अगर ये प्रयास हम करते हैं तो 100% नहीं लेकिन अगर 10%, 5% भी हम अगर इसमें सक्सेस हो चुके तो वो हमारा हमारे नेशन के लिए हमारी एक बहुत बड़ी डिवोशन होगी। क्योंकि आज अगर एक शेतकरी अगर आत्महत्या करता है, एक फार्मर आत्महत्या करता है, तो उसका जो दर डोई उत्पन्न जो जीडीपी है वो गवर्नमेंट इंडिया का हमारा गिर जाता है वहाँ पे। आज कितने किसानों ने आत्महत्या की है पिछले सालों में, अगर उनकी हम टोटल निकाले तो जीडीपी जो आज गिरते जा रहा है उसके ऊपर भी हम प्रॉपरली पॉजिटिवली उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकेंगे, ऐसी मेरी राय है। बिल्कुल विजय जी, कभी भी हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और आगे भी जिस तरह से हम विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, ऐसे में नहीं लगता कि जो अन्नदाता है उनको लेकर जो सरकार की सोच होनी चाहिए थी, बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखता। क्या आपको लगता है कि आपके बेटे ने जो सपना देखा है उसको अगर सरकार ने पूरा करने का काम कर दिया तो महाराष्ट्र की पूरी किस्मत और तस्वीर बदल जाएगी? विजय जी, आपसे सवाल कर रहा हूं। सर आवाज नहीं आ रही। आपके बेटे ने जो सपना देखा है अगर इसको सरकार ने भी समझने का काम किया तो आपको नहीं लगता कि किस्मत बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी महाराष्ट्र की? नहीं, मेरा पहले से एक खौफ था कि मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ तो मेरे बेटे के लिए मैं कुछ बनाऊंगा, एक खौफ था। तो मैंने बेटे के लिए एक रास्ता चुन लिया तो बेटे ने मेरे को आगे लेके गया, मेरे को खुद बेटा लेके गया। आज मैं जहाँ पे हूँ वो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि अगर बेटे का ख्वाब अगर सचमुच ये अपने गवर्नमेंट ने अगर सच किया तो मैं पूरा जो जिसकी ज़िंदगी बची है उतना मैं उसको बोलूँगा कि सरकार के लिए तू काम कर। बिल्कुल हाँ, अगर सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरे को भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार भी ऐसा हुआ था। एक कुछ ऐसे बोलते ख्वाब दिखाते हैं बाद में पीछे खींच लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी का जो काम करने वाला है उसका दिल टूट जाता है। बिल्कुल, आज वो इतने जोश में से या आज तक यहाँ तक पहुँचा है तो ऐसे बच्चे उसके पीछे भी आ जाएंगे, जितने आप उसको नहीं भी लेंगे तो भी वो बोलेंगे मेरे को ज़रूरत है मैं काम करूँगा। अगर हाँ ये सोचना है, अगर गवर्नमेंट सोचेंगी तो बहुत और मेहरबानी भी होगी
और ऐसे पीछे वाले जो काम करने वाले वो भी उनको भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाएगा। हम डेडिकेटली काम करेंगे। विशाल, इस पूरे सफर को लेते हुए, पूरे प्रोजेक्ट को लेते हुए, जिस तरह से आपने रिसर्च किए, बहुत सारे लोगों से आपका मिलना हुआ होगा, जाहिर से बहुत सारे पॉलिटिशियन होंगे, अलग अलग फील्ड के लोग होंगे, कैसा रिएक्शन मिला अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो? शुरुआती सफर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, बट जैसे जैसे हमने हमारा वर्क प्रूव करते गए, जैसे जैसे अभी आपने विक्रम की स्टोरी यहाँ पे दिखाई कि कैसे उन्होंने सक्सेस किया, स्टोरी बहुत छोटी है बट लेसन लर्न बहुत बड़ा है, अगर उसे कॉपी करेंगे तो बहुत किसानों के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अभी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारे, स्पेशली जो खासदार पूनम महाजन मैडम है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी इंस्पिरेशन दी है। रामदास अठौले साहब ने काफ़ी अप्रिसिएशन दिया है, उन्होंने काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट किया कि हम किसानों के लिए कुछ करें, और हमारा वर्क डेडिकेटली कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने हमें इंस्पिरेशन दी है। और बाकी क्षेत्र के लोगों से भी मुलाकात हुई होगी आपकी, जो पॉलिटिक्स के बाहर हैं, उन्होंने भी कुछ कहा आपको? टेक्निकली लोगों से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर काम करना है तो आपको आपका नॉलेज हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। तो हमारे जो भी सीनियर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे हम हमेशा रेगुलर तौर पे सलाह मशवरा करते रहते हैं। और जो नए नए ट्रेंड, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, जो फॉरेन में स्पेशली जो ट्रेंड चल रहे हैं, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें इंडियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र की जो तस्वीर किसानों से जुड़ी हुई है, उसको हम बदल सकते हैं। हाँ जी, है ना। लेकिन आने वाले सफर में, जो आने वाला जो वक्त है, आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से किसानों के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती रही है, राजनीति होती रही है, अभी भी आपको लगता है कि वाकई जो सरकार है वो गंभीर हो पाएगी? क्योंकि आपने खुद लोगों से संपर्क किया है, पद्मश्री से आपको नामित किया जा रहा है, तो ये जो सम्मान मिलता है, तो सच्चाई और सम्मान का जो एक रिश्ता है, आप सम्मान तभी होता है जब आप किसी अच्छे सफर पे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो दिन है, जो भविष्य है, उस पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम लेकर देखें तो कैसा लग रहा है आपको? आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल है। आप जानते हैं पिछले साल में बारिश 70% से भी कम हुई है। पानी की समस्या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में ही इतनी बढ़ती जा रही है कि आप जैसे आपने विदर्भ और कोंकण रीजन की बात की, वहाँ पे तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये सब आने वाला फ्यूचर का जो खतरा है, उसके लिए अगर हम आज से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दें, तो आने वाला समय कुछ हद तक हमारे लिए आसानी या सेहतमंद हो सकता है। नहीं तो नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो कंक्रीट के जंगलों में कब घिर जाएंगे और कब ये कंक्रीट अपने पेट में हमें निगल जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। ये बात कोई और नहीं, ये आशिक है कुदरत का, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। विशाल चाहता है कि वाकई इस खतरे को हम समझें। विशाल के पिता के पास चलते हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हम प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नफरत करते हैं, कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि बहुत हो गया, अब रुक जाओ, कुछ मिलजुल कर किया जाए? क्या कहेंगे आप उनको जो कुदरत से छेड़खानी करते हैं? विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं। जो कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कुदरत के साथ खिलवाड़ करेगा तो कुदरत उनको बराबर रास्ता दिखा देगा, लेकिन क्या है, जो कुछ है वो होना चाहिए, और जो नहीं है वो नहीं होना चाहिए। ये जो जहाँ पे कुछ भी एक दिल में सोच एक रखते हैं और करते एक है, उसका कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, सोच बदल। विक्रम, आप शेतकरी से जुड़े हुए हैं, किसानों के दर्द को भी समझते हैं, आप ये भी जानते हैं कि किसी न किसी ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, थम जाए? मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो किसान मतलब क्या है वो समझाना पड़ेगा आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, तो ये रोकना चाहिए कहीं पर तो जाके। बिल्कुल। विशाल, आपको नहीं लगता कि विक्रम ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि इतिहास के पन्नों में हम ना समाहित हो जाए, विक्रम एक किस्सा कहा जाएगा, कहानियों में चर्चा होगी कि एक किसान हुआ करता था, एक खेती करता था, और पानी की समस्या थी, सुखाड़ आ गया, दुष्काल आ गया, और उसने अपनी जिंदगी तमाम कर ली। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। अगर प्रॉपर स्टेप्स आज ही नहीं लिए गए तो आने वाले पल में किसानों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज किसानों के पास में खाने के लिए अन्न नहीं है। आज उनकी आत्महत्या इतनी बढ़ती जा रही है कि उनको
खुद पता नहीं चल रहा है कि हमारा माय बाप कौन है, हम किसके पास में जाए, हम क्या करें, तो ये इस ऐसी स्टेज पे आपको अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से विशाल ने एक नई शुरुआत की है शोध के जरिए, ये इन्होंने रास्ता बनाया है कि बहुत कुछ ऑप्शन है जिसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर सिस्टम को समझना होगा, हमको और आपको समझना होगा कि इस सपने को सच करना है, कुदरत के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए विक्रम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विशाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। तो कुदरत के प्रति हम प्यार का इजहार तो करते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट को कहीं न कहीं से हमें समझना होगा कि अगर कुदरत ने बदला लेने की ठान ली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो क्यों ना अपने रोल को एक बार फिर से बदलने की कोशिश की जाए और जो हम नफरत दिखा रहे हैं कुदरत के प्रति अगर उसको हम प्यार में बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी कहलाएंगे आशिक कुदरत का। तो इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।